ओके जी, अभी जो 2016 में फार्माकोलॉजी का एमसीक्यूज पोर्शन आया था ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा कि बाकी कंपैरेटिवली 2016 में बहुत आसान पेपर आया था ना फार्मा का, मुझे लग रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए बिसाकोडाइल हो गया, सल्फर सेराजीन, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, और वेस्कुलर के लिए लिग्योर सोल्यूशन, ये आपके थायराइड के अंदर दिखेंगे, फोलिक एसिड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बच्चे बच्चे टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में हमारे पास सिस प्लाटिन हो गया। ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी में प्रोसिनामाइड हो गया, एसीटाजोलामाइड, प्रोक्सीमल कीटामीन जो होता है ना वो कार्डियो स्टिमुलेटर होता है, ठीक हो गया। फिर वैसोप्रेसिन के बारे में, डायबिटीज मेंसा जो होता है ना साइक्लोपिरामिड, और प्रेमाक्विनिन जो था ना प्लाज्मोडियम वीवैक्स के लिए था। ठीक है, टीबी के लिए आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिन, एथाम्ब्यूटल और पैराज़िनामाइड, माइग्रेन की ट्रीटमेंट होगी, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम की डायूरेसिस हो गया, हॉडकिन हो गया, एम्फोट्रेसिन बी जो है नेफ्रोटॉक्स, हाँ एजोल जो है ना वो गुर्दे के ऊपर एक्ट करती है सारी की सारी एंटी फंगल, एच पायलोरी के लिए क्रिथ्रोमाइसिन, फिर लिबोडोपा जो है ना वो प्रो ड्रग है, और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना वो हाइपरटेंशन के अंदर नहीं, नेसिर जो होता है ना वो अगर गाउट के अंदर देंगे नॉन स्टीराइड एनर्जी तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हेड इंजरी में कभी भी आपने ना मॉर्फिन नहीं देनी होती। फिर ग्लाइकोमा में मैनिटोल हो गया, बीटा वन पोस्ट सेनेप्टिक हो गया, लाइडोकेन हो गया, नॉर्मल पोलोराइज हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट ड्यू टू हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, एम फेज में एंडोकार्डाइटिस, पेंसिलिन, इंसुलिन में जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होगी। ओके जी, तो यार ये था सारे का सारा, मुझे लग रहा है कि 2016 का पेपर जो है ना ये आसान आया था। मैंने एक दफ़ा देखा इसको जो ऑटोटॉक्सिसिटी बच्चे बच्चे को बता फ्रोसिनामाइड देने की वजह से, तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, तो जिस जिसको चाहिए हो, अगर किसी को PDF चाहिए हो तो मुझसे ले लो, अगर ये वीडियो सही नहीं ना आ रही तो आप इसकी जो है ना वो क्वालिटी को इंक्रीज़ करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इंशाल्लाह सारी की सारी वीडियो आपको क्लियर नज़र आ जाएगी। हॉजकिन हो गया, एम्फोटेरिसिन बी हो गया, एच पायलोरी हो गया, ठीक है, एस्पिरिन इंक्रीज रिस्क हो गया, ग्लूकागोन काज ग्लूकोनेजेनेसिस लीवर हो गया, लिथियम काज डायबिटीज इंसिपिडस, कॉन्ट्रासेप्टिव इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, फिर ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस हो गया, ड्रग डिसोसिएटेड हो गया। ठीक है, और ये सारे का सर, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर, अगर किसी को PDF चाहिए हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे आकर ले सकते हैं, नो इशू, अल्लाह हाफिज़, ये पूरे हो गए।